गई थी। भले ही मनमोहन सरकार ने स्वामीनाथन फॉर्मूले पर एमएसपी नहीं दी, लेकिन यहाँ कांग्रेस के पक्ष में ये बात भी जाती है कि कांग्रेस ने कुछ चुनावों में वायदा नहीं किया था कि वो स्वामीनाथन फॉर्मूले पर एमएसपी देगी, लेकिन भाजपा के मामले में ऐसा नहीं है। जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तब उसके पेज नंबर 44 पर ये जिक्र था कि भाजपा की सरकार आने पर लागत की 1.5 गुना कीमत किसानों को दी जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान भी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यानी नरेंद्र मोदी ने अलग अलग रैलियों में जाकर किसानों से एमएसपी का वायदा किया। 15 अप्रैल 2014 के दिन नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले में एक चुनावी रैली के दौरान कहा, हम एमएसपी की व्यवस्था को चेंज कर देंगे। एमएसपी का नया फॉर्मूला लागू होगा जिसमें पूरी लागत और 50% प्रॉफिट सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न केवल किसानों को मदद मिलेगी बल्कि कोई भी किसान को लूट नहीं सकेगा। पंजाब के पठानकोट में भी एक चुनावी रैली के दौरान मोदी ने एमएसपी का वायदा किया। मोदी ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार आती है यानी भाजपा की सरकार आती है तो किसानों को 50% लाभ के साथ एमएसपी दी जाएगी। हम लागत में बीज, सिंचाई और लेबर का भी खर्चा जोड़ जो लागत आएगी वो और उसका 50% प्रॉफिट लगाकर एमएसपी देंगे। किसी को भी किसानों को लूटने नहीं दिया जाएगा। साफ है एमएसपी के स्वामीनाथन फॉर्मूले और उसके लिए कानून बनाने की मांग सिर्फ किसानों की नहीं रही है बल्कि खुद मुख्यमंत्री रहे मोदी की रही है, भाजपा की रही है। उन्होंने इसके नाम पर वोट लिए हैं, इसलिए आज सरकार अपने वायदे से पीछे नहीं हट सकती है, जबकि भाजपा को सत्ता में आए हुए अब 10 साल बीत चुके हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि किसान अचानक से 2024 इलेक्शन से पहले ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। जब वायदे चुनाव के वक्त किए जाते हैं तो हिसाब चुनाव के वक्त क्यों ना लिया जाए। और ये परसेप्शन भी गलत है कि किसान अचानक से कोई मांग लेकर कूद आए या सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी देने की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार की वादा खिलाफी को याद दिला रहे हैं। ये एक बड़ा अंतर है। किसान संगठनों का ये भी कहना है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की फसल की जो लागत निकाली जाती है वो राज्य के लागत के अनुमान